नमस्कार दोस्तों, ध्रुवा अकेडमी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आज हम पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर करने जा रहे हैं, 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। पहला क्वेश्चन है नेशनल फार्मर डे। विश्व किसान दिवस, सॉरी राष्ट्रीय किसान दिवस, कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन आता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, बनाई गई है चाइना द्वारा। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप किसके द्वारा बनाई गई है? चाइना द्वारा। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट है वाजपेयी द ईयर दैट चेंज, दैट चेंज इंडिया, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह किताब लिखी गई है शक्ति सिन्हा के द्वारा। शक्ति सिन्हा ने वाजपेयी द ईयर दैट चेंज इंडिया किताब लिखी है। नेक्स्ट है लेपर्ड स्टेटस, लेपर्ड स्टेटस टू थाउजेंड एटीन, एक रिपोर्ट है जो इंडिया में रिलीज हुई है। इसके अनुसार भारत में 12,852 तेंदुए हैं लेपर्ड। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। इनकी संख्या मध्य प्रदेश में है। चौतीस इक्कीस। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक में, यहां 1783 इनकी संख्या है। यह रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है नेशनल मैथमेटिक्स डे।
कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इस दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्मदिन आता है। ओप्पो कंपनी ने मोबाइल की ओप्पो कंपनी ने 5G इनोवेशन लैब लेबोरेटरी शुरू की है। इसका सेंटर कहां स्थापित किया है ये इस लैब का? हैदराबाद में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम यह कहां पर है? यह है कोलकाता में। आर्य राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। ये कहां से हैं? केरल से। केरल में ये मेयर अभी चुनी गई हैं और ये देश की सबसे युवा मेयर है। हेमंत कुमार पांडे इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सफेद दाग की दवा की खोज की थी। सफेद दाग की दवा की खोज की थी इन्होंने, हेमंत कुमार पांडे ने। फ्रूट पोर्टल यह पोर्टल कर्नाटक में शुरू किया गया है किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए। नेक्स्ट है
बेस्ट एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 22। इन्हें चुना गया है नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक को बेस्ट एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है राउरकेला में। MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। चांदीपुर में MRSM की फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह मिसाइल बनाई गई है DRDO और इज़राइल की हेल्प से। इसकी मारक क्षमता है 70 किलोमीटर। बयालीसवां रामसर स्थल किसे चुना गया है? तसोकार को। तसोकार झील को रामसर स्थल चुना गया है 42वां। भारत का है ये। भारत का 42वां रामसर स्थल कौन है? तसोकार झील। और ये कहां पर है? यह है लेह लद्दाख में। COVID-19 सबका साथ सबका सम्मान। यह किताब किसने लिखी है? यह किताब लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी द्वारा। सुशासन दिवस। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन के अवसर पर।
इनके जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी गुड गवर्नेंस। नेशनल कंज्यूमर राइट डे, यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में आया था। हंड्रेड% एफडीआई को अनुमति दे दी गई है डीटीएच सर्विस सेक्टर में, डायरेक्ट टू होम सर्विस में। नेक्स्ट है 21st सेंचुरी, आइकॉन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? यह दिया गया शंकर महादेवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फीट ऊंची स्टैच्यू बनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी की, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी। कहां शुरू किया गया? यह शुरू किया गया बांधवगढ़।
टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 किसे चुना गया है? यह चुना गया है साइना सोनी को। IIT वाराणसी में स्पेस रीजनल एजुकेशन सेंटर खोला जा रहा है। यह किसकी सहायता से खोला जा रहा है? इसरो और BHU की सहायता से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन दोनों की सहायता से स्पेस रीजनल एजुकेशन सेंटर खोला जा रहा है IIT वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की 100वीं किसान रेल शुरू की गई है। हरी झंडी दिखाई गई है। यह कहां के गई 100वीं रेल किसान रेल? महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बीच। नेक्स्ट है पैसेज एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज दक्षिण चीन सागर में की गई है। भारत और वियतनाम के बीच यह एक नौसेना अभ्यास है। तमिलनाडु का 38वां जिला बन गया है मयिला दुथुरई। भारत की पहली फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस शुरू की गई है। कहां शुरू की गई है यह? यह शुरू की गई है न्यू दिल्ली में। आई एम नो मसीहा
यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आई एम नो मसीहा। यह किताब लिखी गई है सोनू सूद के द्वारा। यह किताब लिखी गई है सोनू सूद के द्वारा। बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। ई गवर्नेंस के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड इसके द्वारा जीता गया है। यह जीता गया है विराट कोहली के द्वारा। विराट कोहली के द्वारा यह जीता गया है। नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड यह जीता गया है के विरमानी के द्वारा। नेक्स्ट है बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यह चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क यह बनाया गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान केंद्र यह बनाया जा रहा है लेह के अंदर, लेह लद्दाख में। बेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम किसे चुना गया है? विशाखापट्टनम को बेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुना गया है।
भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी किया गया है। इसका नाम है न्यूमोसिल। डॉक्टर मैनी, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार इन्होंने ही बनाई थी। प्रयागराज में अमोनिया गैस का रिसाव होने से बहुत से लोगों की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल कैप्टन ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? यह चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? यह चुना गया है विराट कोहली को। म्यांमार द्वारा भारत के INS सिंधुवीर पिंडवी को म्यांमार द्वारा भारत के INS सिंधुवीर पिंडवी को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020। किसे दिया गया है? यह दिया गया है NTPC को। इस सप्ताह के करंट अफेयर में इतना ही।
थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ध्रुव एकेडमी गुरुग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।